जिनकी पेट में कोई चीज खाने से हजम नहीं होती है मैदा में तकवीत नहीं है जब हाजमा नहीं हो तो जान कहाँ से बनेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउन फॉर गेट लाइक एंडो आज मैं आप लोगों के सामने मैदा की ताकत के लिए मैदा की कुव्वत के लिए तकवियत मैदा जिनकी पेट में कोई चीज़ खाने से हज़म नहीं होती है मैदा में तकबीयत नहीं है जब हाजमा नहीं हो तो जान कहाँ से बनेंगे कोई भी चीज़ खाएं तो कम अज़ कम हज़म होना चाहिए अब जो भी चीज़ खा रहे हैं या तो पखाना में जाते हैं तो वो साबुत निकल जाते हो या फिर वह हजमें नहीं होती हैं मैदा के अंदर इतना तकबीयत नहीं है इतनी क़वत नहीं है और इंतहाई शमकश में मुबतला हो जाती हैं। इन सूरतों में एक आयात है जिसके बहुत सारे फायदे हैं एक तो यह फवायद है कि जब आप ये इकतालीस बार पढ़कर पानी पर दम करें और मरीज को दिन में पांच सात बार पिलाएं सात दिन तक या 11 दिन तक मुसलसल यानी तीन तीन गोट करके पांच सात बार इस किस्म की पिलाते रहें दिन में 41 बार अल्लाह लतीफुम यह आयात है अल्लाह लतीफुम बेबाद ही या रुजुक मैशाह वह अलकबील आजीज ये आयात है बेशक अल्लाह अपने बंदे के ऊपर बहुत नरमी बहुत नरमी करती हैं और वो रिजिक देते हैं या जिसको चाहें और वो अल्लाह ज़बरदस्त क़्वत वाला है तो यहाँ ये यह आयात पढ़ने से यकीन के साथ मैदा में तकवियत पैदा होती है मैदा में क़्वत पैदा होती है